गाइस आज का जो हमारा वीडियो है वो है ग्लूगन्स पर। मार्केट में बहुत सारी ग्लूगन्स अवेलेबल है, 20 वॉट, 40 वॉट, 80 वॉट, 150 वॉट। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ग्लूगन बेस्ट है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आ सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पर मैंने कुछ ग्लूगन्स रख के रखी हैं, लाइन वाइज लाइन हम सब पे बात करेंगे और पता करेंगे सबसे बेस्ट ग्लूगन कौन सी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सबसे छोटी ग्लूगन की, यह है 20 वॉट की ग्लूगन। इसकी कुछ खास बातें हैं। सबसे पहला, ये इजी टू यूज है। सेकंड, इसका जो ट्रिगर है वो बहुत कन्वीनियंटली दबता है इन कंपेरिजन टू बिग गन्स। मगर इसमें कुछ बुराइयां भी हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर जो स्टिक है वो 7 mm की लगती है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, और इस मशीन को गर्म होने में 5 से 7 मिनट लगता है। और जैसे ही गर्म होती है तो ग्लू अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाता है। स्टिक पतली है 7 mm की, इसलिए जल्दी आपकी स्टिक खत्म हो जाती है। और हाँ, अगर आप इसको बंद कर देंगे तो भी ग्लू आपका निकलता रहेगा। प्लस ये मशीन बाद में अच्छी खासी गर्म हो जाती है, अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे तो आपके हाथ में गर्माहट महसूस होगी अच्छी खासी। और इस मशीन की लाइफ भी बहुत कम है, अगर ये चल गई तो चल गई, नहीं तो 2 से 2.5 महीने में ये खराब हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसके प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये आती है 80 रुपये से लेके कुछ 150 रुपये तक की प्राइस वेरिएशन होता रहता है। मगर ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि इसको बाय मत करिए। अब हम देखते हैं हमारी सेकंड ग्लूगन, ये है 80 वॉट की ग्लूगन। इसमें 40 वॉट भी आता है मगर मैंने उसको स्किप कर दिया, मैं डायरेक्टली आपको 80 वॉट की ग्लूगन दिखा रहा हूँ। इसके अंदर 11 mm या फिर 12 mm की स्टिक लगती है, इसको भी गर्म होने में 5 से 7 मिनट लगता है। इस मशीन को मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसको बहुत यूज़ किया है और मैंने बहुत सारी स्टिक्स इसमें ख़त्म भी करी हैं। इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम तो लगती नहीं है, मगर एक प्रॉब्लम इसमें है कि जैसे ये गर्म होती है 5 से 7 मिनट में ग्लू निकलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप काम कर लें आधा घंटा 45 मिनट, अगर आपने इसको बंद किया तब भी ग्लू अपने आप निकलता रहता है। हाँ, इसमें थोड़ी गर्माहट इसमें भी होती है क्योंकि 80 वॉट्स की है। अगर आपका बजट कम है, आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तब फिर आप मशीन ये ले सकते हैं। इस मशीन की कॉस्ट आपको कुछ 150 से 300 रुपये के बीच में आएगी। अगर आपको साल भर में कुछ 10 से 12 बार या 15 बार काम करना है तब फिर ये मशीन आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं इस ग्लूगन की, ये मैंने 1 महीने पहले ही ली है और मैंने इसको अच्छा खासा यूज़ किया है। ये ग्लूगन मुझे इन दोनों गन से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका वॉट है 150 और यह हैवी ड्यूटी ग्लूगन। बाकी ये दो ग्लूगन को गर्म होने में टाइम लगता है 5 से 7 मिनट और इसको गर्म होने में टाइम लगता है 1 से 1.5 मिनट। अगर आपको फ्रिक्वेंटली कुछ काम करना हो आप इसको प्लग में लगाइए, ये तुरंत 1 से 1.5 मिनट में गर्म हो जाती है। इसके बाद इसका नोजल बहुत पतला है। अगर आप इसका नोजल या इसका नोजल कंपेयर करेंगे तो इसका नोजल वर्क करने में बहुत अच्छा है, पतला है, आप हर कहीं इससे चिपका सकते हैं। इसमें 11 mm की स्टिक लगती है और इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। पहला, इसमें एंटी लॉक मैकेनिज्म है। सेकंड, अगर ये मशीन गर्म है, आपने ऐसे रखा है, ग्लू अपने आप निकल रहा है, अगर आप इसको टर्न अराउंड कर देंगे मतलब टेढ़ा रख देंगे तो आपका ग्लू निकलना बंद हो जाएगा। इस मशीन में ये फैसिलिटी नहीं है, अगर ये गर्म होती है तो ग्लू निकलता ही रहता है, रुकता नहीं है, ठंडी होने पे ही रुकता है। मगर ये मशीन गर्म है, आप इसको टेढ़ा कर देंगे तो ग्लू निकलना बंद हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो मैंने इस मशीन को प्लग में लगा दिया है, अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने इसको ऑन किया है। अब अगर ये गर्म होगी तो इसमें से ग्लू निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही आप इसको टर्न अराउंड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसकी लाइट बंद हो गई, तो ग्लू निकलना बंद हो जाएगा। अब इसकी लाइट चालू हुई, अब इसकी लाइट बंद हो गई। तो इसमें बहुत अच्छा सेंसर लगा हुआ है जिससे आपकी ग्लू स्टिक बहुत ही सेव होगी, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगी। इसकी जो अगली खासियत है वो मुझे बहुत पसंद है, इसका जो नोजल है वो कस्टमाइज है। आप इस मशीन का या इस मशीन का नोजल चेंज नहीं कर सकते हैं, मगर आप इसका नोजल चेंज कर सकते हैं। अमेजोन में 150 वॉट्स की जितनी भी मशीन आती है उनके अलग साइज में वैराइटीज में नोजल अवेलेबल हैं, आप लेके चेंज कर सकते हैं। इसकी तीसरी सबसे खास बात, इसको आप कितना भी यूज़ करिए, मैंने इसको लगातार 45 टू 50 मिनट यूज़ किया है, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होती है, हाथ में बिल्कुल गर्म नहीं लगता है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। लास्ट, ये प्राइस पॉइंट में थोड़ी ज़्यादा है, इनका प्राइस पॉइंट कुछ 300 रुपये तक का आता है, ये आपको मिलेगी 600 से 800 रुपये की, क्योंकि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में प्राइस बहुत अप एंड डाउन होते हैं, इसलिए 600 से 800 रुपये तक की मिलेगी। और हाँ, अगर आप एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस मशीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं गाइस। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके पास मशीन है तो कौन सी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप मशीन लेने वाले हैं तो कौन सी मशीन आप
लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।